प्रेजेंटेड बाय पतंजलि रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। देश के 5 राज्यों में मिली चुनावी हार के कारणों पर मंथन और आगामी चुनावों में पार्टी की मजबूती के लिए आगामी 13 से 15 मई तक होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर की तैयारियां जोरों पर है। राजस्थान के उदयपुर में होने वाले इस चिंतन शिविर को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और प्रदेश के दिग्गज नेता उदयपुर में जुट चुके हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन बुधवार को जहां सीधे दिल्ली से उदयपुर पहुंचे, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दोपहर जयपुर से उदयपुर पहुंच चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लिया है, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वहां पहले से ही मौजूद है। वहीं उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बात करते हुए जहां कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर खुलकर चर्चा की, तो वहीं सोमवार देर रात जोधपुर में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आखिर क्या है पूरा मामला और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, राजस्थान के उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर की तैयारियों को लेकर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये हमारे जो महत्वपूर्ण है, हमें स्वागत करने का मौका मिलेगा। राजस्थान कांग्रेस होस्ट बन रही है और हम सब मिलकर इसको बहुत कामयाब करेंगे। सब कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है और ये आप सब जानते हो कि बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी का अभी पूरे मुल्क में टारगेट कोई है तो राजस्थान है, इसीलिए आप देख रहे हो दंगे भड़क रहे हैं। जब जेपी नड्डा साहब आए थे जयपुर के अंदर, माधोपुर में गए थे शायद वो, तब भी मैंने कहा था ये आग लगाने आए हैं, आग लग गई करौली के अंदर। वहीं राजगढ़ में 300 साल पुराने मंदिर सहित दो अन्य मंदिर और मकानों पर चले बुलडोजर को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि रामगढ़ में बोर्ड है बीजेपी का, 35 पार्षद में से 34 है बीजेपी के, प्रस्ताव पास किया सड़क चौड़ी करने का, सड़क चौड़ी की गई और बदनाम कांग्रेस कर रहे हैं। कल जोधपुर में जो कुछ हुआ, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जहाँ दंगा भड़कने की स्थिति आए, ये तो हम लोगों ने दंगा की कहीं करने नहीं दिया, होने नहीं दिया, ना करौली में, ना रामगढ़ में, ना जोधपुर में। इसीलिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, हादसा नहीं हुआ। वरना आप जानते हो कि जब हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाते हैं तो क्या स्थिति बनती है देश के अंदर, क्या क्या हालात हुए यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, जहाँ जहाँ दंगे हुए हैं गुजरात के अंदर, वो काले अक्षर में लिखा गया इतिहास के अंदर, वो दंगे हुए थे। पत्रकारों से बात करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमने यहाँ पर पूरा चौबंद कर रखा पुलिस को, और इसी का परिणाम है कि करौली की घटना जो हुई थी उसके बाद रामनवमी आई तो राजस्थान में सब जगह सब धर्मों ने मिलकर रामनवमी के जुलूसों का स्वागत किया, सत्कार किया, फूल बरसाए। और उसी दिन 7 राज्यों में, देश के 7 राज्यों में दंगे भड़के हैं, 7 राज्यों में, आप कल्पना कीजिए। बुलडोजर चले हैं वहाँ पे गरीबों पर, क्या क्या नहीं हुआ है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, सब जगह पर। यहाँ शांति रही, शांति इनको हजम नहीं हो रही है, इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है इनके हाईकमांड के, जितना ज़्यादा राजस्थान सरकार को बदनाम कर सको आप लोग, जितना ज़्यादा अस्थिरता पैदा कर सको। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि ये इनके प्रकार इस काम में आपको जो निर्देश मिले हैं, और इसीलिए इनके अंदर प्रतिस्पर्धा हो रही है, जितने उम्मीदवार बन गए हैं मुख्यमंत्री के, प्रतिस्पर्धा चल रही है, इनको होमवर्क दे दिया गया है, इसलिए हर चीज़ को लंबा खींच रहे हैं। करौली में घटना हुई, 1-1.5 घंटे बाद में सब शांति हो गई, पूरे देश के अंदर मीडिया भी चला रहा है करौली को लेकर के, रामगढ़ की घटना इनकी खुद की हुई है, चल रही है कांग्रेस बदनाम करने के लिए। जोधपुर की घटना में कल तमाम केंद्रीय मंत्री और जो पूर्व मंत्री सब उतर गए, ऊपर से कहा गया है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है जो सुन के सुनते आते हैं कि किस प्रकार इनको मैसेज आते हैं कि आपको किस प्रकार से कैंपेन चलाना है खिलाफ में।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि और ये लोग भड़काने काम करते हैं, हम धरना देंगे, हम पुलिस के खिलाफ में आंदोलन करेंगे, ये सब कीजिए आप, बाद में जब शांति हो जाए तब आरोप लगे मुख्यमंत्री पर, मंत्री पर, सरकार पर, पुलिस पर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इनकी फितरत जो है बहुत भयानक है। अभी मैंने सुना कि उपराष्ट्रीय कार्यकारिणी करने जयपुर के अंदर, अभी भी खबर आई, पता नहीं सच्चे झूठ है, अंदाज कर सकते हो कितने घबराए हुए राजस्थान के नाम से ही, राजस्थान के नाम से इनकी नींद हराम हो रही है दिल्ली के अंदर। इसलिए पूरा टारगेट यहाँ पर मुख्यमंत्री को और सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र है और वो हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं जब सीएम गहलोत से सवाल पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि लगातार बीजेपी जो है प्लानिंग कर रही है, सरकार क्यों नहीं ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ ठोस कदम उठाए ताकि एक अच्छा मैसेज जाए जनता में, इस सवाल का जवाब देते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जब करौली के लोग हो चाहे कहीं के लोग हो भागते फिर रहे हैं और हमने तय कर रखा है इस मामले में, हिंसा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, दंगा किसी कीमत पर नहीं हो, अगर कहीं तनाव भी होगा तो कार्रवाई करेंगे और जो दंगा कराने वाले लोग हैं, जो भागीदार बनते हैं, चाहे वो कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो और कोई राजनीतिक पार्टी का हो, सम्मान व्यवहार किया जाएगा। वहीं जोधपुर से जुड़े सवाल पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अब शांति है, सद्भावना का प्रयास किए जा रहे हैं और जोधपुर की अपनायत बहुत ही पॉपुलर रही हमेशा, मारवाड़ की आपस में प्रेम भाईचारा रहा है सदियों से वहाँ, और मैं समझता हूँ कि उसी रूप में लोग व्यवहार करेंगे वापिस, और जो गलतफहमी पैदा हुई है या किसी मिसक्रिएट लोगों ने ये कार्रवाई करवाई है जिससे कि तनाव पैदा हुआ, छुटपुट घटनाएं भी हुई, वो घटनाएं बंद हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ जोधपुरवासियों की जो विरासत है उनको संजो के रखेंगे, वापस प्रेम और मोहब्बत के साथ में नजदीक आएंगे। वहीं सीएम गहलोत से जब सवाल पूछा गया कि एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि राजस्थान के नाम से बीजेपी घबराई हुई है, तो क्या बीजेपी को डर है कि 2024 में आप जो है एक बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए बनेंगे, जिस तरह से प्रदेश में आपकी लोकप्रियता बढ़ी है, सरकार की फ्लेक्सिबल योजना आई है, तो कहीं ना कहीं एक वो डर है? इस सवाल के जवाब में सीएम गहलोत ने कहा कि मुझे आगे क्या होगा वो तो टाइम बताएगा, पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सुशासन होगा राजस्थान के अंदर, कोरोना का मुकाबला पूरे देश में नंबर वन हम थे जो मुकाबला किया, जिस प्रकार से बजट पेश किए गए यहाँ पर, आज यूनिवर्सल हेल्थ जो सर्विसेज मिली है वो पूरे देश में एकमात्र राजस्थान है जहाँ पर आप सभी तरह की इंश्योरेंस 10 लाख का, आईपीडी ओपीडी फ्री, एक्सीडेंट का बीमा, जो कुछ भी हम कर रहे हैं मेडिकल के अंदर कर रहे हैं, शिक्षा में कर रहे हैं, कॉलेजेस खोल रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएँ हो, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य सड़कें, कोई सेक्टर ऐसा नहीं जहाँ पर कोई कमी रखी हो। सोशल सिक्योरिटी में हम लोग करीब लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन देने राजस्थान के अंदर, प्रधानमंत्री जी ने मांग कर रहे हैं कि आपको पूरे देश के अंदर, टाइम आ गया है, 21st सेंचुरी चल रही है, आप पूरे देश के मजदूरों का, गरीबों का, डेस्टिट्यूट का, ठेले वालों का, सबको आप सोशल सिक्योरिटी दो, ये वक्त आ गया है और हमने शुरुआत कर दी राजस्थान के। सर, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है उसमें शिवलिंग को भी कटर, लेकिन शिवलिंग को भी हटा दिया गया और उसको बेरहमी से हटाया गया, कटर से काटा गया। कहीं पर कोई घटना हुई है तो उसकी निंदा करनी चाहिए, एक्शन करना चाहिए, हमारे मानना है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।